दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे ऑटो एक्सपो 2020 की। ऑटो एक्सपो 2020 कई मायनों में खास रहा है। एक से बढ़कर एक गाड़ियां यहां पर लॉन्च की गई हैं, पर अगर सही मायनों में देखा जाए तो टाटा ने यहां कमाल ही कर दिया है। टाटा मोटर्स ने इस बार कई शानदार गाड़ियों को लॉन्च किया है, पर इन सब में जो खास है वो है दी लीजेंडरी टाटा शियरा। वही शियरा जो 1991 में लॉन्च की गई थी और भारत की पहली ऑफ रोड एसयूवी का भी खिताब रखती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसी साल टाटा मोटर्स के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने सियरा को लॉन्च किया है। हालांकि अभी तक यह एक कॉन्सेप्ट है और प्रोडक्शन में आने में इसे अभी वक्त लगेगा, लेकिन इस कार की जो स्टाइलिंग है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि भविष्य की गाड़ियां कैसी होने वाली हैं। नई सियरा में इसके मूल डिज़ाइन का विशेष ख्याल रखा गया है, लेकिन इंटीरियर्स बिल्कुल ही अलग हैं। इस कार में भी सिर्फ 3 दरवाजे होंगे जैसे कि पुराने वाली सियरा में थी। सियरा एक इलेक्ट्रिक कार होगी और आप सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को लीड करने का पूरा मन बना चुकी है, और तभी इसने नेक्सन का इलेक्ट्रिक वर्जन भी सिर्फ 13.5 लाख में लॉन्च किया है, जो कि सिंगल चार्ज में 300 से ज़्यादा किलोमीटर चलती है। अगर बात करें सियरा के डिज़ाइन की तो इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। पूरी कार में LED का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। सामने में LED की मदद से बैटरी का स्टेटस भी दिखाया जा रहा है। इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके गेट भी स्लाइड होके खुलते हैं। इंटीरियर में भी जो डिज़ाइन है वो अभी कॉन्सेप्ट टाइप की ही लगती है, और प्रोडक्शन में निश्चित तौर पर इसे बदला जाएगा। पर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर प्रोडक्शन वाली सियरा इसके आसपास भी रही तो बहुत ही शानदार होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।